अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम क्लासिक गोट फार्म। द बुलेट ट्रेन वीडियो बना रहे हैं हम लोग। ये क्या है आपको थोड़ी देर में मालूम पड़ जाएगा। बुलेट ट्रेन की स्पीड में ये वीडियो रहने वाला है इंशाल्लाह। आपको दो बाड़े कवर करेंगे हम लोग यही वीडियो में, और नदीम भाई से भी बातें करेंगे और एक एक करके सब बकरे दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई, सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि शाइनिंग दिख रही है जी। बकरों में एकदम खूबसूरती है और चंचलपन है जी। ठीक है, तो क्वालिटी वाइज भी कुछ बातें करेंगे हम लोग जी। बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी डिफरेंस क्या होता है जी, और बकरे आप क्या सोच के लाते हैं जी, और कस्टमर्स की सोच क्या होती है जी, है ना। और एक एक करके इंशाल्लाह सब बकरे दिखा देंगे। अभी हम लोग इस वीडियो में ये बाड़ा जी और ये बाड़ा जी, ये करीबन दोनों बाड़े के बकरे 170 बकरों के आसपास हो गए दोनों बाड़े में। सही है, ये दोनों बाड़ों के बकरे हम लोग दिखाएंगे और आराम आराम से बकरे दिखाएंगे, यानी ताकि एक एक बकरा लोगों को विजिबल दिखे। सही है, तो मेरी राय है कि बाड़े के अंदर चल के बनाए आसिम भाई। सही है, चलते हैं। कस्टमर को भी एक एग्जैक्ट लुक आएगा कि भाई बकरा कैसा है क्या है। सही है, तो मैंने जैसा बताया कि हम लोग थोड़ी स्पीड में हाँ आपको बातें करेंगे लेकिन दिखाएंगे आराम से। आइए, सो वी आर इन द बाड़ा नंबर 2 बोल सकते हो, मिडल में है। ये सबसे शानदार पेविलियन है, जैसा कि स्टेडियम में पेविलियन होता है ना जी, एक शानदार जगह होती है। चलो लो इसको, सबको उधर लो। चलिए तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं आपको पूरे बकरे दिखाए जाएंगे, शानदार क्वालिटी है ना नदीम भाई। नदीम भाई ये बकरा देखो, पतीरा में शॉर्ट हाइट में 6 दांत के आसपास, लगभग 90 किलो के आसपास वजन है। क्या बात है, ये बकरे के साथ एक और बकरा है, दो बकरे हैं जी। ये बकरे दोनों जोड़ी में अपने को देना है आसिम। वाह, इसका हम लोग दोनों का 1.5 लाख मांग रहे हैं। क्या चीज है लेकिन भाई, और ये बकरे इतने, यानी क्वालिटी आप देख लो, पैर देख लो आसिम भाई जी। ये दोनों बकरों के पैर खड़े पैर के बच्चे हैं, बारीक रुए हैं, चमक वाले बच्चे हैं। देखो कोई ऐप नहीं है, क्वालिटी देखो, हर किस्म की क्वालिटी होती है जी। कहीं 450 में भी माल मिलता है, कहीं 500 में मिलता है, कहीं 1000 रुपए किलो भी माल मिलता है जी। लेकिन मैं जो क्वालिटी छांट के लाया हूँ नासिम भाई जी, वो मेरे यहाँ जो पब्लिक का डिमांड है और जो लोग पसंद करते हैं और जिसके लिए लोग मेरे फार्म पे आते हैं, मैं वो क्वालिटी। सही बात है, हाँ ये भी सही बात है। हर किस्म का माल है मेरे पास, यानी वो हम लोग ने एक वीडियो पहले बनाए हैं, वो माल 500 रुपए किलो के आसपास बराबर है। ये बच्चे सब नंग वाले हैं, इनमें वजन से हिसाब से नहीं दे रहा हूँ बच्चे। सही, ये बच्चे देखो, लाइए एक और जोड़ लाइए इसमें भाई। वो वाह, क्वालिटी चेक करें आप। ये भी सब देखो, पतीरे। अब ये बच्चे सब क्वालिटी, खूबसूरती, इनकी चमक, इनकी फिनिशिंग, ये सब बच्चे देखो। आइए, क्या बात है। अब ये बच्चा देखो आसिम भाई, ये इतना शॉर्ट हाइटेड पतीरा है, सीधे पैर का बच्चा है। चारों बकरे आप एक ही फ्रेम में देख पा रहे हैं, माशाल्लाह क्वालिटी। देखिए 90-90 किलो के हैं ये, लगभग 90-90 किलो के आसपास है। एक शॉर्ट साइज किलो का भी हो सकता है। वाह, फुल चंचल। चलिए आसिम भाई, ये बच्चा देखो, ये बच्चा गुलाबी पत्ते देखो, लाओ जाने दो आसिम भाई। ये भी देखो, ये बच्चा नदीम, इतने हैवी बदन है आसिम भाई, ये सब बच्चे देखो, ये गुलाबी बच्चा, ये हैवी बदन है माशाल्लाह, बच्चे फिट एंड फाइन है, चल रहे, खा रहे, पी रहे, माशाल्लाह अल्लाह के करम से, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं। ये देखो वाह वाह वाह, अलग कलर में देखो, ये सीने पे दिल का प्रिंट है, अलग कलर है। अब ये क्वालिटी आप समझो आसिम भाई, इसके बदन की चमक क्यों है जी, इसके बदन की चमक ये है कि इसकी चमड़ी बारीक है, बारीक चमड़ी। ये नस्ल के हिसाब से होता होगा ना ये क्वालिटी आसिम भाई। देखो कहीं जो मोटे चमड़े के बकरे रहते हैं, जिनके बाल थोड़े कड़क रहते हैं, उनमें वैसी चमक नहीं रहती, नहीं रहती। इस पर चमक है। क्या अलग कलर है, देखो आसिम भाई, ये वाला बच्चा देखो शानदार। ये मुंडा देखो, इसका कलर देखो कितना रेयर है। अब इस पर खाली आप हाथ फिराओ बच्चे पे, हाथ फिराओ जी, ये हाथ फिराओ जी, हाथ फिराओ आसिम, देखो ये एकदम बारीक, ये एकदम मखमल जैसे बच्चे देखो जी, जो वेलवेट होता है ना, वेलवेट ऐसे बच्चे। लाओ इसको लाओ। तो आपके यहाँ पर जो ज्यादातर कस्टमर्स है, उनकी डिमांड भी ऐसे बकरों पे होती होगी। ये मुंडा, ये सब चार दांत पे बच्चे आसिम भाई, 80 किलो 85 किलो, चार चार दांत पे बच्चे हैं। और ये पालने के लिए भी उम्दा है। हाँ, अब ये पैसा इसका क्वालिटी का पैसा है जी। ये जो कलर है, ये बच्चे आपको पट्टी में नहीं मिलेंगे आसिम भाई जी। ये मैंने मेहनत से, पूरे साल भर की मेहनत है, हर बाड़े में जाके छांट छांट के बकरे लिया। सही है, तो ये मेहनत है। अब ये पंजाबी देखो आसिम भाई, ये पंजाबी चार दांत पे है माशाल्लाह। इसका फ्रेम कितनी बड़ी है, देखो ना माशाल्लाह। वाह, ये बच्चा आसिम भाई दो दांत पे, देखो क्या बनावट है, देख सकते हैं दोस्तों, दो दांत।
देखो दांत भी किसी को देखना है तो दिखा सकते हैं, दो दांत। और ये बच्चे का फ्रेम देखा सकता है फुल भराई पे, ये देखो वाह, इसका फिटिंग, इसका फ्रेम देखो क्या कलर, अगेन गला देखें उसका, ये बच्चा देखो खूबसूरत बच्चे आसिम भाई, यानी कोई इसको हाँ। ये बाड़े के बकरों को एक बकरा, और आप जिस तरीके से दिखा रहे हो ना, एक तो बकरा रिजेक्शन नहीं है, देखो बच्चे लोगों को फुल समझ में आएगा, पैर हाथ पैर कहीं पर भी आप घुमा दो बच्चे, देखो हर जगह से भरे हुए कसे हुए बच्चे, ये बच्चा देखा एक निकल गया, देख सकते हैं एक मुंडा निकल गया वहां से, चलिए ये बच्चा देखा, वाह आप जिस तरीके से दिखा रहे हो लोगों को बहुत समझ में आएगी ये बात। अब ये देखो ये बच्चा माशाल्लाह भारी 90-95 किलो का बच्चा होगा ये, अब ये बच्चा इसमें एक भी बच्चा कड़क रोए का नहीं है, देखो सब नरम बारीक, सब नरम। ये मक्की चीना, वाह व्हाट अ कलर, ये मक्की चीना देखो, ये बहुत फुर्तीला चंचल बच्चा है, देखो इसकी चमक देखो, इसकी भी चमक देखो बारीक है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये देखो ये छोटी हाइट नटिया है, जिसको पसंद आते ना नटिए, ये मेरे फेवरेट बच्चे नटिए, छोटी हाइट के बच्चे, ये बहुत ये गोल होते हैं बच्चे माशाल्लाह पूरे नायाब। ये अलवर का बकरा आसिम भाई, क्या कलर है चेक करें दोस्तों, ये अलवरी बकरा, ये बकरा कोई लेके एक साल पाल सकता है, पैरों की मजबूती, गला के देखो ना पूरा लटक रहा है, झालर बहुत जोरदार है, जोरदार, और चमड़ा भी बहुत ढीला है, और कितनी बड़ी फ्रेम का बकरा है, चमड़ा भी बहुत ढीला है आसिम भाई, बहुत जगह है पालने लायक है ना। ये बच्चा हैदराबादी क्रॉस में व्हाइट आईज, ये देखिए अलग कलर, वाह ये देखो हैदराबादी क्रॉस आईज में व्हाइट आईज में हैदराबादी बच्चा क्रॉस, जबरदस्त है। ये बच्चा देखो मुंडा गोजरी प्रिंट में, देखो ये व्हाइट आग में, ये देखो व्हाइट आईज में, इसकी हाइट वाइट भी अच्छी है, कुर्बानी के लिए एकदम परफेक्ट बच्चा है, खूबसूरत प्लस नस्ल वाला प्लस हाइट वाला, वाह क्या बच्चा देखो आसिम भाई, क्या सेग्रीगेशन हुआ है बकरों का, ये देखो ये बच्चा वजन में कम है लेकिन खूबसूरती में बहुत ज्यादा है, ये देखें फुल व्हाइट, ये देखो ये हाइट, देखो गुलाबी बच्चा हाइट में माशाल्लाह, बच्चा देखो ये माशाल्लाह, एक एक करके देखने की बात ही अलग है बकरों को, ये बच्चा देखो ये, चल चल बेटा आगे, चल बेटा आगे, ये बच्चा देखो आसिम भाई क्या बनावट, मोलू मोलू बच्चा, सीना देखो आप एकदम रस मलाई बोलते ना, एकदम गोल देखो रस मलाई, वाह एकदम देखो, और गुलाबी चेहरा देखो क्या बात है, ह्यूमन लवर है, आप खड़े रहो ये आपको चाटेगा बच्चा, सही है ये देखो ऐसा ही खड़ा रहेगा बच्चा, जब तक इसको अपन हटाएंगे नहीं जाएगा नहीं, ये बच्चा देखो इसका चेहरा देखो, इसकी आँख एक आँख पे खजला है, हाँ। इसका बच्चा देखो ये एकदम बारीक रूए का बच्चा, यानी एक बच्चा भी इनमें से ये पूरे बारे में से कोई रिजेक्ट नहीं करता, ये बच्चे की कमानी देखो, लंबी गर्दन, वाह लंबी गर्दन का बच्चा, कमान देखो माशाल्लाह, हर चीज में कुछ ना कुछ है, ये बच्चा देखो ये, यानी इसमें आसिम भाई सींग पैर ये कोई भी बच्चे देखो ना, इसमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है कि आपको पसंद नहीं आए, ये सब बच्चे हम लोग अंदर देख रहे हैं आसिम भाई, ये लाल बच्चा देखो, लेकिन ये चमक देखो लाल कलर में, क्या बात, अच्छा शिरोई नहीं है ये बच्चा, हाँ गोजरी भी नहीं है, सोजत में लाल है, सोजत में लाल, सोजत में लाल बच्चा है ये, वाह ये बच्चा देखो आसिम भाई क्या बात, यानी एक भी बच्चा आप इनमें से रिजेक्ट नहीं आकर, ये बच्चों को मैं नीचे उतारू ना तो ये बच्चे और खुल के दिखेंगे, और खुल के, ये देखो आसिम भाई खाली इनकी चमड़ी पे हाथ फिराओ, उसके सीने पे हाथ फिराओ, इसका सीना देखो एकदम मखमल बच्चे, मखमल। अब दूसरे बच्चे भी मैं बताऊंगा ना आपको आसिम भाई, तो वो आपको थोड़े कलक दिखेंगे, रफनेस दिखेंगे, इनमें कोई रफनेस नहीं है, अच्छा ये नेचुरल है आसिम भाई, हाँ। ये नेचुरल है, यानी ये नस्ल और ये क्वालिटी है, क्वालिटी है, ऐसे बच्चे महंगे ही आते, सही, और ऐसे बच्चे आपको ज्यादातर लॉट में नहीं मिलेंगे जी, सिंगल डबल लेना पड़ता, ये देखो कलर अलग कलर में मुंडा बच्चा बहुत ही खूबसूरत, वाह ये एक शेरा हमारे पास बचा है देखो आसिम भाई जी, लास्ट टाइम देखे थे हमने इसका वीडियो, ये शेरा देखो, ये एक ही वाहिद अभी भी बकरा ऐसा है जो लगभग 120 किलो पे है, इसको एक छोटी सी गांठ है रसोली, ये भी कुर्बानी में चल सकती है, कोई ऐप नहीं है, बिकॉज ये स्किन पे है जी, ये गोश्त में नहीं आई है, और ये क्या पालने लायक भी है आगे नहीं, ये एक साल अगर किसी को भराई करना है ना आसिम भाई तो ये पैर वैर दिखा सकते है, देखो इसके बहुत मोटे, बच्चों को थोड़ा आगे करो यहाँ से, बहुत मोटे पाएगा बच्चा, बहुत डबल नली के पैर का है, चेहरा रुबाबदार है, दांत पूरे है, 120 किलो के आसपास का बच्चा है, क्या बात है क्या बात, वाह ये देखो क्या चेहरा बहुत रुबाबदार है, अंडू से लेट पंच है बच्चा, क्या ये बात, बच्चा किसी को पालने के लिए चाहिए तो देखो हाइट, इसका चेहरा, इसकी चिकनाहट, चेहरे का पंच देखें आप लोग, पंच चेहरा पंच, रोमन नोस, वजन में कितना होगा वो, लगभग 80-85 किलो के बीच में होगा ये बच्चा, फुल प्यारा बच्चा,
ये बच्चा गुलाबी में है, मैं आपको एक एक बच्चे दिखा रहा हूँ, कोई उसके अंदर हेयर फेयर नहीं, हिडन कुछ नहीं है। बच्चा है ना थोड़ा सी अपना बावड़ा खोल दिया है, देखो जी उससे नेचुरल है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल है, देखो बस चलने का वैसा हो गया। अच्छा वो भी ऊपर आपको दिख रहा है क्योंकि चमड़ी बारीक है, देखो ये अलग कलर है, बच्चा दिखा सकते वाह बच्चा है माशाल्लाह पूरा, क्या बनावट आई है देखो। वाह दो दांत पे बच्चा आसिम भाई, सिर्फ दो दांत पे ये बच्चा अलग कलर, वाह ये पैच देखो क्या शानदार पैच है। मैं आपको बोल रहा आसिम भाई बच्चों को खाली हाथ लगा के देखो, ये पीछे की चमड़ी भी पूरी देखो एकदम बारीक चमड़ी के बच्चे, देखो ये चमड़ी है ना एकदम बारीक है पीछे की, जैसा आप लोग कपड़ा पहनते ना जी, जैसा कपड़ा हमारा पतला है ना कॉटन का कपड़ा पतला है ना वैसी चमड़ी है। ये देखें सिंग देखो इसके, ये देखो बच्चा, ये बच्चा मेरा पीला टैग लगा हुआ है, ये अवेलेबल है, ये बिका नहीं, शानदार। अच्छा ये बच्चा ये लगभग 90 किलो के आसपास का बच्चा है जी, अगर ये किसी को पालना है तो ये अच्छा बच्चा है पालने के लिए, अच्छी चीज़ है। ये बच्चा देखो आसिम भाई सब बच्चे तड़प रहे हैं आसिम में, हम लोग बच्चा एक एक दिखा दिखा के वो देंगे जी, पब्लिक जिनको लेना है वो क्वालिटी समझ के ले लेंगी, क्योंकि ये बकरे मेरे पास बहुत सारे थे जी, और अभी लगभग ये बच्चे मेरे पास बचे हैं, जो सोल्ड आउट बकरे अलग रखे हैं, अभी और कहीं है भी नहीं जी, जी नहीं है, नहीं मिल रहा भी नहीं, आप तो इतने फार्म घूम रहे हो, आप मुझे बताओ कि जितने फार्म्स आप गए आपने जैसा एक एक करके जो दिखाया है ना, हाँ। आप यकीन नहीं करोगे लोगों को बहुत समझ में आएगी चीज़, आप मुझे बताओ ना ऐसे क्वालिटी के बच्चे एक जगह पे इतने जमा हुए बच्चे आपने कहीं नहीं देखे क्या? नहीं नहीं देखे, ये देखो फिनिशिंग सब बच्चे माशाल्लाह देखो ना एकदम माशाल्लाह सब फिट बच्चे, अभी ये बच्चे का चेहरा देखो, हाँ छोटे चेहरे का बच्चा है देखो, सिंग कितनी अच्छी है, छोटे चेहरे का बच्चा है पूरा गोल बच्चा है देखो, ये देखो वाह ये देखें आप, ये देखो माशाल्लाह इसकी हाइट देखो, जो लोग हाइट पसंद करते हैं सोजत के अंदर देखो हाइट बच्चे की माशाल्लाह, वाह घोड़े जैसा है भाई, है अलग ही स्टाइल है, अलग कलर देखो, ये देखो क्या पैटर्न आया भाई इसको बहुत जबरदस्त आसिम भाई, एक एक बच्चा आप देखो गुलाबी चमड़ी के बच्चे देखो, ये लाल चमड़ी नहीं है काली नहीं है देखो, ये पिंक स्किन है जी, ये बच्चे के कान के अंदर देखो आप पिंक आएगा देखो, हाँ पिंकनेस है दिख रहा है देखो, पिंकनेस देखो कान के अंदर, ये बच्चा देखो आसिम भाई ये पूरा व्हाइट है लेकिन खाली इसको यहाँ ऊपर टिप्पा लाल देखो, हाँ लोग पसंद करते हैं वो बाज मरतबा, ये बच्चा देखो आसिम भाई ब्राउन में चेहरा देखो पंच में रोमन नोज आप बोले ना एक थोड़ी देर पहले, जैसा मैं भी जंगल वंगल घूमता हूँ भाई, पूरी पट्टी अगर खरीदते हैं ना हम लोग उसमें पांच छह उल्टे सीधे बकरे डाल ही देते लोग, पर ये ऐसा एक भी नहीं, हाथ लगाओ इतने माशाल्लाह प्यारे और इतने मुलायम बच्चे हैं, ये मैंने बहुत यानी इन बच्चों को मेरी जो जिस जगह पे ये बच्चे पल रहे थे ना जी, वहाँ पर ये बच्चे मैंने बहुत पहले देखे जी, और मैं बस दिन रात इन्हीं बच्चों के बारे में सोचता रहा कि इनको लेना है बस, वो हो गया वो, और ताकि अल्लाह ने दिला दिया आप एंड यूजर का भी फायदा हो गया ना, अब ये बच्चा देखो आसिम भाई ये कलर क्या कलर अब लग कलर, अच्छा वजन पैर कोई रोके एक साल इसको बच्चे को, वाह बहुत शानदार एकदम बारीक चिकना चमड़ी चमक वाली चमड़ी है ये देखे, वाह ये देखो फुल वाइट बच्चा, अच्छा कमाल की बात आसिम भाई बताओ जी, मैक्सिमम बकरे चार दांत पे मतलब ज्यादातर बकरे पाल सकते हैं चार दांत के यानी इतने वजन में जी, और ये सब बच्चे चार दांत पे हैं, ये देखो बच्चा एकदम छोटी हाइट में माशाल्लाह शानदार, हाथ में नहीं आया इनको बाहर छोड़ दो आसिम भाई, वाह मुंडा देखें आप, ये देखो ये वीडियो थोड़ा सी लंबा होगा आसिम भाई, ये चलेगा बना रहे हाँ। लेकिन लोगों के लिए एक एक बच्चा लोग देख सके बहुत ही शानदार, ज्यादा बकरे जब होते ना हाँ। तो बकरे समझ में नहीं आते कम, अभी एक एक करके दिखा रहे हो तो मेरे को खुद समझ आ रहा है, देखो ये सब बच्चों की फिटिंग देखो, वाह ये एक निकल गया देखो आप, देखो ये बच्चा निकल गया देखो, ऐसा लग रहा है अल्लाह ने उसको बेल्ट पहना दिया, सिर्फ गर्दन पे ब्लैक है उसको गुलाबी, ये बच्चा देखो आसिम भाई ये गुलाबी चेहरे का बच्चा, चार दांत छह कर लिया 90 किलो का बच्चा, ये बच्चा देखो क्या फ्रेम देखे माशाल्लाह, अलग कलर में ये होगा लगभग 70-75 किलो, शानदार चार दांत बहुत जबरदस्त, ये बच्चा देखो आसिम भाई
फुल वाइट में, यानी एकदम बच्चे आप देखो ना एकदम गोल मटोल माशाल्लाह एकदम जबरदस्त बच्चे, चार दान, क्या बात है। देखो ये पूरा गुलाबी बच्चा आसिम भाई, देखो पूरा बच्चा गुलाबी स्पॉटलेस है माशाल्लाह, व्हाइट आईज में देखो, वाह। अभी ये बच्चों को आसिम भाई इस तरह वापिस दौड़ा था मैं तो दूर खड़े रहता, मैं तो दूर, इधर से दौड़ा इधर आ जाओ नदीम भाई, जब तक ये दौड़ है कस्टमर की तरफ से भी, मतलब कस्टमर को आपने सब दिखा दिया तो इनके रेट्स वगैरह किस तरीके से होते हैं? ये बकरे आसिम भाई लगभग नंग वाले बकरे हैं जी, 85 किलो, 90 किलो, 95 किलो ऐसे है, 100 किलो के ऊपर एक ही वो गोजरी है जी, एक आध दो आ गया 98-100 तो अलग बात है, ये सारे नंग से दे रहा हूँ। इसमें छोटे बकरे जो है ना वो लगभग 4-5 बकरे या 6 बकरे छोटे हो गए जो 75 किलो के हो गए जी, वो भी नंग से ही दे रहा हूँ। लगभग इस पे आप समझ लो आसिम भाई 50,000, 55,000, 60,000 ऐसे बकरे हैं। ठीक है, ये साइज के एंड जो उनका वेट है वो 90 के ऊपर ऊपर का है, 85 प्लस के बकरे ही, पूरी पट्टी 85 प्लस की आई, सही है, क्योंकि मैक्सिमम बकरे 92, 93, 94 ऐसे बकरे हैं, सही है। और हल्के में हल्का बकरा भी जो है ना वो 77, 78 का है, वो हिसाब से उनका रेट भी सेट, वो हिसाब से उनके कैसा है 85 किलो के आसपास की, लेकिन अगर कोई हल्का बकरा ले रहा है तो उसको 50,000 रुपए नहीं लगेगा जी, उसका डेफिनेटली कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा। अगर कोई इसको भारी बकरा ले रहा है 90-95 किलो का तो फिर थोड़ा सी उसको कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि खूबसूरती भी है, क्वालिटी भी है, गुलाबी पन भी है, बारीक चमड़ी भी है, तो आदमी क्वालिटी का पैसा देगा। देखो कुर्बानी में क्या होता है कि बकरे हम लोग गोश्त तो साल भर खाते हैं, तो गोश्त के हिसाब से ये बकरों को नहीं तोला जाता है, क्योंकि साल भर ये बकरे नहीं कटते जी, साल भर जो बकरे कटते हैं वो छोटी साइज के बकरे बराबर है, और जंगल का कट्टू का माल कटता है जिसमें लाल कलर भी होता है, काला कलर भी होता है, सफेद कलर भी होता है, हम लोग तो गोश्त खाते हैं, लेकिन कुर्बानी तो वही मतलब है जो हमने पसंद किए हैं और अल्लाह की राह में अच्छी से अच्छी चीज दी। बेशक अब ये माल अच्छा माल है, ये नहीं बोलता हूँ कि दूसरों का माल खराब है, नहीं उनका भी माल बेहतरीन है जी, लेकिन हर आदमी की अपनी पसंद होती है जी, कोई 50,000 वाली कुर्बानी करता है, कोई 25,000 वाली करता है, हर एक की कुर्बानी अल्लाह कबूल करता है। बस मेरा ये मानना है कि अगर इन ये क्वालिटी की कदर करने वाले कोई लोग हैं तो वो क्लासिक गोल्ड फार्म पर आइए, और ऐसी क्वालिटी के और भी बच्चे हैं जो इस बारे में जो हम लोग अभी आगे की वीडियो में दिखाएंगे जी, वो बकरे सारे आप देखो और फिर आप ही खुद जज करोगे ये क्वालिटी कैसी। सही, ठीक है, तो कस्टमर खुद इसको जज करेंगे इंशाल्लाह, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्वालिटी जो चेक कराया है नदीम भाई ने, जो क्वालिटी चेक कराया है वो कैसी लगी आपको। तो आइए नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट बाड़े में चलते हैं, है ना। नदीम भाई ने बहुत माशाल्लाह मेहनत करके एक एक बकरा दिखा दिए और फुल पसीने पसीने हो गए हम लोग, काम ही हमारा ये देखो, ये हम लोग को शौक करवाता है आसिम भाई जी, वरना इनमें अगर कोई भी अच्छे बड़े फार्मर को पूछो तो इनमें जो मेहनत है और जो हमारा पैसा जो एफर्ट लग रहा है जी, हम लोग पैसों के लिए ये शौक क्या करते हैं। सही है, पैसों के लिए तो आदमी दूसरा साल भर कोई आम काम कर ले ना तो उसमें ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो पिछले साल बकरे लाए थे जी, बारिश हो गई, बकरे मरते हैं, खराब होते हैं, तो उसमें काफी नुकसान भी होता है। हकीकत है, तो खाली ये नहीं कि भाई ये बकरा बिक रहा है इतना पैसा आ रहा, नहीं ऐसा नहीं है, इसमें काफी नुकसान भी होता है, बकरे खराब होते हैं, डैमेज होते हैं, वो सारे हमारे हो जाते हैं। सही, क्योंकि हम लोग डैमेज बकरा, बीमार बकरा, खराब बकरा बेचते नहीं है, और हम लोगों का क्या है, हम लोग जितने भी फार्मर है, यानी मैं जितने भी फार्मर है उनकी बात कर रहा हूँ, वो सारे लोग क्या है दुकान लगा के बैठे हैं जी, तो वो गलत नहीं करेंगे, आपको आपके साथ धोखा हो सकता है बाहर से आप कहीं बकरे ले, लेकिन हम लोग तो साल भर अवेलेबल है बराबर, आपको गलत चीज देंगे तो आप लोग वापस दोबारा हमारे पास आ सकते हो, तो हम लोग आपको गलत चीज तो नहीं देंगे। सही, तो ये एक ट्रस्ट फैक्टर है फार्म वालों का, अगर 2-4 हज़ार बकरा महंगा भी है तो वो ये इसके लिए है क्योंकि बकरे साफ है, मेंटेन्ड है, खूबसूरत है, क्वालिटी है और जवाबदारी है मेरी बराबर, आदमी जवाबदार है उसके लिए। सही, तो अभी पाड़े के बकरे हम लोग दिखाएंगे आसिम भाई इंशाल्लाह, स्टार्ट करते हैं। सो नदीम भाई इसमें भी एक एक करके देखेंगे, दूसरे बाड़े में ऑफिशियली आ गए हैं जी, ये बच्चा भी आसिम भाई लगभग 80 किलो का है और वही बाड़े की कैटेगरी का है, लेकिन चूंकि हम लोग इस बाड़े में रखे हैं तो इसका प्राइस थोड़ा सी फर्क है उन बाड़े से, वो ढंग से दे रहे, ये वेट पे हम लोग दे रहे। अच्छा, ये लगभग सारे बकरे जो है ना आसिम भाई फ्लैट 550 रुपीज केजी का रेट मैंने किया हूं, इसमें लगभग मैक्सिमम बकरे 75-80-85 केजी के और गुलाबी अलग कलर में, क्वालिटी वही है, क्वालिटी वही है। सही है, बस ये है कि ये बस हम लोग को, मैं बस लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो उस हिसाब से कर। हकीकत, अब ये बच्चा अलग कलर का लगभग 90 किलो के आसपास है, इसकी चमक, इसका
आप स्किन और इसकी हाइट भी अच्छी है माशाल्लाह, अच्छी है। ये बच्चा है अवेलेबल फॉर, देखिए क्या कलर आने वाला है। ये देखो, ये मक्की चीना देखो, ये मक्की चीना बहुत रेयर कलर है, बहुत रेयर कलर है। ये लगभग लगभग होगा मेरे अंदाज से इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से 77-78 केजी पे होगा माशाल्लाह। ये बच्चा लगभग 80 किलो के आसपास होगा, फुल व्हाइट बच्चा है, फुल व्हाइट है, देख सकते हैं। ये लंबे कान में, देखो लंबे कान में हैदराबादी क्रॉस। ये बच्चा देखो स्पॉट, इसको कितना खूबसूरत स्पॉट है, देखो यहाँ सीने के पास जी। ये मक्की चीना आसिम भाई, दो दांत पे बकरा है, दो दांत पे 79-80 केजी के आसपास है। ये भी पालने के लिए अच्छा, चार कर रहा है, सॉरी चार कर रहा है, पालने के लिए अच्छी चीज है, नहीं कुर्बानी के लिए परफेक्ट है, परफेक्ट है, ठीक है। ये बच्चा देखो आसिम भाई, अब ये सारे बच्चों की फिनिशिंग, इनके रुए वो सब बहुत जरूरी है। ये देखिए आप, एक और व्हाइट, ये फुल व्हाइट स्पॉटलेस माशाल्लाह। आसिम भाई ये बच्चा देखिए, कलर देखिए सही। ये बच्चे को स्पॉट बहुत खूबसूरत है, इसके कान, एक कान पे चिंता प्रिंट है, एक कान फुल व्हाइट है, क्या बात है, एक कान फुल व्हाइट है, एक कान पे डॉट डॉट है, जबरदस्त। ये बच्चा पालने के लिए अगर कोई पाल सके, हाइट छोटी है लेकिन पैर वेर का बहुत मजबूत है, 75-76 केजी के आसपास आएगा बच्चा, चेहरे पे पंच भी है, सही पालने के लिए अच्छी चीज है, जैसा बता रहे नदीम। फुले मतलब लंबी गर्दन का बच्चा है जी। ये बच्चा फुल व्हाइट अगेन जी, कुर्बानी के लिए माशाल्लाह एकदम परफेक्ट है, क्या बात है, हाइट भी अच्छी हो बकरे की। ये एक और बकरा चेक करें आप, आसिम भाई ये गोजरी प्रिंट में बच्चा है, बारीक रुए का, बहुत शानदार, लेंथ अच्छी बच्चे की, लेंथ बहुत अच्छी है। ये बहुत एक अलग नायाब चीज आ गया, एकदम डिफरेंट चीज है, पतीरे के अंदर ही आएगा आसिम, बहुत शानदार सिंह। ये बच्चे को भी मैं वही रेट में दूंगा जो रेट मैंने आपको बोला, तो ये भी 550 में, ये 550 में बहुत ही बच्चा है, रेयर है, क्या जबरदस्त बकरा, तो बच्चा है सिंह, देखें आप ये मुंडा, देखो आसिम भाई छोटी मुंडी का गुलाबी बच्चा, देखो क्या बात, छोटे चेहरे का गुलाबी बच्चा, अब आप समझ जाओ गुलाबी बच्चे भी मैं वही रेट में दे रहा हूँ, कोई इनका प्रीमियम नहीं मांगा। हाँ नहीं, बकरे तो आई थिंक सेम क्वालिटी है, बस ये बच्चा भी वेट, ये बच्चा कोई लेके पाल लो जी, ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, अगर कोई ले नहीं ले मैं इसको पाल लूँ, सही है, कोई नहीं लेगा तब मैं इसको पालूंगा, ये बच्चा बहुत बड़े का बच्चा, क्या बड़े पैर का बच्चा है, देखो बड़े पैर का बच्चा है, दो ही दांत पे है आसिम भाई, दो ही दांत पे, अभी दो ही दांत पे बच्चा है, मतलब पालने के लिए टॉप, एक नंबर चीज है पालने के लिए, कमान अच्छी है, लंबी गर्दन है, ये भी दो दांत पे बच्चा आसिम, क्या हार्ट है इसको भी, इसको भी सीने पे दिल बना हुआ है, देखो ये बात अलग है कि दिल के टुकड़े हो गए जो आजकल बहुत सा कॉमन हो गया है दिल का टुकड़ा जी जी, लेकिन ये बकरा अच्छा है और अच्छा है क्या, क्या बात बोले आपने, जबरदस्त कलर, ये देखो माशाल्लाह स्पॉट्स में थोड़ा अच्छी चीज है। अच्छा ये सब बकरों की अब फिटिंग जरूरी नहीं है कि खाली बकरे को दूसरे बकरों से कंपेयर किया जाए, जैसे इसकी बगली वगैरह भी आ गई, देखो हर बकरा जो है ना आसिम भाई अपने आप में खूबसूरत है जी, हर बकरा, ये इनको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि यहाँ वो बाल है और यहाँ ये रेट है, यहाँ रेट है, हर आदमी का जो है ना बकरा हुआ, हर आदमी मेहनत से छांटा है, सही उसने क्या प्राइस में खरीदा, कैसी कुर्बानी देके पाला है, पूरे साल भर में क्या क्या उसको एक्सपेंसेस लगे। ये बच्चे को सुरमा है, देखो हाँ कजला लगभग 77-78 केजी पे है बच्चा, ये देखें एक और प्यारा बच्चा है, एक एक सिंगल सिंगल बकरे दिखा रहे, चार दांत पे सिंगल सिंगल बकरे दिखा रहे, तो बकरे समझ में आ रहे, ये देखें फुल वाइट बच्चा है, आप देख रहे माशाल्लाह आपके वीडियो का, देखो नहीं फोन भी मतलब कंटिन्यू आ रहा है आपको, तो वही हम लोग एक एक करके दिखा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है लेकिन आपको चीजें समझ में आ रही है। होगा लगभग 65-70 किलो का बच्चा, सही। अच्छा कुछ बच्चे इसमें ऐसे भी आसिम भाई जी, अगर कोई लोग लेना चाहे ना जी, तो मैं थोड़ा बहुत मान सम्मान कर दूंगा, मतलब इसमें थोड़ा निगोशिएबल निगोशिएबल कर देंगे, सही, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क में कि भाई 450 में दे देंगे या नहीं, तो इतना निगोशिएबल नहीं होगा, थोड़ा बहुत निगोशिएबल। अब ये देखो ये बच्चा है ना, और मतलब मैं ये भी एक बात बोलने वाली बात है ना कि पूरे 1000 बकरे बन जाए ऐसे भी नहीं होता है भाई, जरूरी है ना बन जाए, सही बनते, ये क्या जबरदस्त कलर है भाई, थोड़ा एक बार घुमाई ना हम, बहुत मतलब व्हाइट के बाद बहुत अच्छा, अभी ये सब व्हाइट बच्चे देखे, ये कलर बच्चा देखो, वो देख के ऐसा चेहरा भी इसका बहुत छोटा है देखो हाँ, और दांत इसके है चार, और क्या बनावट है माशाल्लाह,
बहुत इसको अगर कोई ले तो मैं जरूरी नहीं है कि ये 550 में दे दूं, मान सम्मान कर लूंगा इंशाल्लाह। या फिर ये बच्चा जो है जी, ये अंडू बकरा है आसिम भाई, एग्रेसिव है थोड़ा, छालक बहुत ही शानदार, ये वजन से नहीं आएगा आसिम भाई जी, ये नंग से आएगा बच्चा, ये अंडू बच्चा है, किसी को पालना है, चेहरा देखो इसका बहुत शानदार, चेहरा देखो इसका पंच है एकदम, चार दांत किया था, पांचवे और छठे लगा रहा है, लेकिन पैरों का मजबूत बच्चा है, और सबसे बड़ी बात खसियों में ट्रेंड है, सही में खसियों में रख सकते हैं इसको, है बहुत गर्म बच्चा, ये वजन इसका थोड़ा कम हुआ है गर्मी से, ये देखें आप एक और अपना बच्चा देखो माशाल्लाह, बहुत टॉप बच्चा, एक तरफ कलर है एक तरफ कुछ नहीं, क्या बात है, ये अल्लाह की कुदरत देखो, ये बहुत बड़ी कुदरत, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर बकरा अपने आप में खूबसूरत है, देखो एक तरफ से ये व्हाइट है, हाँ एक तरफ से ब्राउन है, मतलब पहचान नहीं पाया आदमी, ये कोई भी यानी इसको कर नहीं सकता, ये अल्लाह ने किया है, देखो ये अल्लाह की कुदरत है, देखो कंफ्यूज हो जाए आदमी इसको दोनों तरफ से देखने पे, एक बकरा निकल गया पीछे से, कोई बात नहीं, ये छोटा बकरा आसिम भाई लगभग 50-55 किलो का है, घूमते फिरते भाड़े में आ चुका है जी, ये अगेन फुल व्हाइट बकरा आसिम भाई, देखो लगभग 80 किलो के आसपास का है, ये चार दांत पे बच्चा है आसिम भाई, देखो इसके कान पे ये चिंता प्रिंट है जी, और एक कान एक व्हाइट है, एक फुल प्लेन है, ऐसे एक और बकरा था पहले, ये अलग कलर बच्चा देखो आसिम भाई, हाइट लेंथ सीना चेहरा, ये है पालने लायक है बच्चा, ये बच्चा बहुत जोरदार है, पाल ले कोई, एक नंबर बनने ऐसी चीज है आसिम भाई माशाल्लाह, इसका सीना पैर वैर माशाल्लाह, चेहरा कमान अच्छा, सबसे बड़ी बात आसिम भाई कलर अलग बहुत आजकल डिमांड में जी, और जगह भी बहुत है, चमड़ा भी बहुत है, सही चार दांत पे बच्चा है, ये देखो आसिम भाई ये छोटा बच्चा है लगभग 70 किलो के आसपास का है, सही एक बहुत बहुत अलग कलर का, बहुत अलग कलर का बच्चा है, देखो जैसे मैंने बताया ना आपको, इसको एक दो तीन कलर है, ऐसे रेयर कलर ढूंढने में भाई बहुत टाइम लग जाता होगा, ये देखो ये गुलाबी बच्चा, वाह ये लगभग 65-66 किलो पे चार दांत पे है, ये गुलाबी अगर किसी को चाहिए तो वही रेट में, सही 550 रुपीस में, ये फुल वाइट बच्चा है आसिम भाई जी, बहुत शानदार है माशाल्लाह, एकदम चिकनी चमड़ी का बच्चा है, एक्चुअली हमारे यहाँ कुर्बानी में जो 60-70 किलो की जो रेंज चलती है ना जी, वो रेंज के ही मैक्सिमम बकरे हैं, लेकिन फर्क क्वालिटी का है, सही कुछ माल जो है ना वो 450 में मिलता है, 500 में मिलता है, ये थोड़ा सी खूबसूरती का पैसा है, क्या बात है, ये एक और बकरा देखे, ये कलर देखो छोटे चेहरे का है, मस्त खड़ी सिंह और हाइट है माशाल्लाह बच्चे का, बहुत प्यारा, ये देखें आप एक और कजला, ये देखो रुबाबदार पंच फेस, वाह एकदम चार दांत बहुत शानदार, ये एक और ये देखो ये एकदम अलग कलर देखो इसका चेहरा देखो इसके चेहरे का कमाल है देखो माशाल्लाह, चलिए ये अलग कलर में बच्चा, ये वाइट कलर में, ये बहुत नायाब कलर आया अभी, ये है ये बच्चा आसिम भाई पालने लायक बच्चा, ये भी बहुत शानदार बच्चा, गुलाबी में गोजरी है, छह दांत किया आसिम भाई, बच्चा लगभग 90 किलो के आसपास होगा वो, ये एक और गुजरी बच्चा तीन दांत पे है अभी, चार दांत नहीं किया है पूरे, तीन दांत पे है बच्चा, मैं मेरे भाइयों से गुजारिश करूंगा पूरा वीडियो लास्ट तक देखे, एक एक बकरे दिखेंगे, बहुत शानदार बकरे दिख रहे हैं, एक एक बकरे दिखेंगे देखो, ये सब गोल मटोल बकरे आसिम भाई, ये गुलाबी बच्चा आसिम भाई देखो बहुत यूनिक है, यूनिक देखो ये गुलाबी बच्चा आसिम, मार्बल सिंह में गुलाबी बच्चा, ये देखिए फुल अजमेरा जबरदस्त, देखो ये अजमेरा देखो, ये लगभग 95 kg के आसपास, क्या शाइनिंग है इसके, अब अजमेरों की कई कीमत होती है, कोई लाख में बेच रहा है, कोई सवा लाख में बेच रहा है, मैं तो आपको क्या बताया स्टार्टिंग में वीडियो में, 550 प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूँ इसके, जो प्राइस स्टार्ट से बेच रहा था वही प्राइस में बेच रहा हूँ, चाहे बकरा 1000 रुपए किलो बिके बराबर मेरा प्राइस यही रहेगा, सही ये अलग कलर में बच्चा आसिम भाई दो दांत पे, ये गोजरी प्रिंट में आसिम भाई देखो बच्चा, ये हमारे दोस्त फरीद भाई के बकरे है जी, अपने पास पाले है जी, उनको बेचना है ये बच्चा, सही है ये भी वही रेट में आएंगे, हाँ थोड़ा बहुत मान कर देंगे उसमें इंशाल्लाह जी, ये बच्चा देखो व्हाइट आंख में, व्हाइट आईज में, ये भी फरीद भाई का दूसरा गुजरी बकरों की जोड़ी है ये जी, गुजरी लगभग 70-75 किलो के बकरे, सही है तो दोस्तों एक एक करके आपको सारे बकरे दिखा रहे हैं माशाल्लाह, कलर पैटर्न सारी चीजें देख सकते हैं, चेहरा बकरे का बदन गुलाबी, ये देखिए एकदम यूनिक कलर, ये गुलाबी चेहरे का बच्चा, चार दांत पे हल्का भूरा कलर है, गुलाबी चेहरा है पूरा, गोल मटोल बच्चा, ये बच्चा देखो अलग कलर 90 किलो के ऊपर है,
फुल वाइट में। छोटी साइज का बकरा किसी को चाहिए तो कॉन्टेक्ट करें। सही है, क्या इसका वेट होगा? 75 होगा, लगभग 70 किलो होगा। सही, एक और वाइट बकरा, ये बहुत शानदार गुजरी। ये गोजरी देखो क्या शाइनिंग है, लेकिन इनमें एकदम चमक वाला बच्चा देखो। गुजरियों में भी शाइनिंग एक नंबर है। ये फुल वाइट, सब बच्चों की शाइनिंग फिनिशिंग बस ये उसी का मतलब क्वालिटी उसी को बोलेंगे ना हम लोग। ये देखिए आप मार्बल सिंह में, ये गुलाबी बच्चा देखो आपसे, चार दांत पे। ये अजमेरा देखो आसिम भाई, ये देखिए आप एक और शानदार पैच है इस पे। यानी बकरे में आपको बता रहा हूँ ना आसिम भाई, इसमें मैंने जो छांट के लाओ, ये बच्चा एकदम गजब है देखो। हाँ, इसके सिर्फ दुम ब्लैक, खाली पूंछ काली है देखो। वाह, खाली दुम काला है, बहुत यूनिक। आइए कुछ और बकरे ला रहे हैं यहाँ पर ही, हम लोग दिखाते हैं अलग कलर में, लाइन से आ रहे एक एक करके। देखिए सिंह वाला, ये एक और बच्चा आ गया इधर। बच्चे मैं नहीं समझता हूँ कि कोई हिसाब से अगर फेल हो सके बच्चे के। सो कस्टमर्स अगर जब लेंगे बकरे अपने से यहाँ पर, बच्चा देखो आसिम भाई, खाली इसकी फिटिंग देखो, बहुत शानदार फिटिंग देखो आसिम भाई, आप इसकी फिटिंग दिखा खाली, जबरदस्त फिनिश, बारीक चमड़ी का बच्चा है ये देखो। क्या बात है, गोल बच्चे है पूरे, ये पूरा सफेद बच्चा है, ये भी पूरा सफेद बच्चा है। ये देखिए आप, ये तो 100 किलो होगा क्या भाई? 90-95 के आसपास होगा। सही है, ये बच्चा भी लगभग आसिम भाई छोटी साइज में, लेकिन 80 किलो के कम नहीं है बच्चा। हाँ, मतलब वेट बहुत अच्छा लेता है, साल भर पला अपना बच्चा। ये देखें, ये देखो आसिम भाई, ये बच्चा देखो आसिम भाई, पंच फेस में है क्या? हैदराबादी, ये हैदराबादी क्या बना है गोल आसिम भाई आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से होगा 90-92। हाँ, ये भैया में 92 केजी के आसपास है। सही है, वाह, आज के कॉन्टेस्ट के विनर आप। नहीं, वो रोज इतने बकरे देख रहे हैं ना नदीम भाई। ये देखो आसिम भाई बच्चा, वाह शानदार, ये कलर देखो ना, ये इसका नाक नक्शा देखो आसिम भाई, रोमन नोज आप बोले थे ना। हाँ, रोमन नोज पे और इसकी आंख पे पट्टा आया देखो काला, बहुत ये लाल पट्टा देखो, कितना खूबसूरत पट्टा है, बहुत ही लाजवाब। ये देखिए आप एक एक करके छोड़िए। हाँ, इसको ये वाला कजले में, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। सो ये बकरे तो हैं ही, इसके अलावा एक बच्चा इसमें आसिम में बता रहा हूँ सीने पे, जिसको दिल बना हुआ है, बोला नदीम भाई कस्टमर से के हिसाब से अगर बकरे लेंगे हमारे यहाँ पर तो हम लोग बकरे इतने तक रख लेंगे यहाँ पर, है ना? जी बिल्कुल रख लेंगे, वो भी एक बात है। ये बच्चा पकड़ो आगे वाला, ये देखो फुल हार्ट, इससे अच्छा हार्ट मैंने देखा नहीं है, नायाब है, इतना परफेक्ट हाथ बोलने का मतलब है। ये भी देखिए आप, दोनों बच्चे एक एक करके दिखाओ, वाह पूरे गोल मटोल बच्चे आसिम भाई, ये बच्चा दिखाते हैं। और नदीम भाई ये आने के बाद भी आज एक कितने दिनों का ये वेट गेन कर ही रहना है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नंदा, देखो बारिश अब तक गिरी नहीं है जी। तो ये देखो, ये अब लग बच्चा है, ये लगभग होगा 95 केजी के आसपास, गुलाबी में। ये देखिए आप, ये हल्का बच्चा है थोड़ा, ये हल्का बच्चा है, 55 किलो के आसपास का बच्चा है। सही, ये देखिए पंच में, बहुत शानदार, इसको वो साइड से भी दिखाओ नदीम भाई, देखो वो साइड से दिखाओ इसको, यहाँ स्पॉट है देखो, देखो यहाँ स्पॉट है, इसको खाली एक ही स्पॉट है, एक स्पॉट और पंच गला चेहरा इसका, बाल मेरे हिसाब से मेरे को बहुत पसंद आया बकरा माशाल्लाह। ये रुए और इसके बाल और पैर माशाल्लाह बहुत जोरदार है उसके। सही है, ये देखें लाल लाल मुंडी बदन सफेद, ये बच्चा देखो आसिम पंच अच्छा है रोमन नोज में, ये देखो इसको भी वही बच्चा जो सिंह वाला हमने दिखाया ना, यही पंच था यही पैच था, देखो सेम बच्चा है, ये विदाउट सिंह है वो सिंह वाला है। तो ये सेम घर के भी होते हैं कुछ बकरे, हो सकता है सेम वाले के, सेम घर के। सही है, ये देखिए आंदो आंदो आंदो, ये बच्चा, ये बहुत शानदार बच्चा है, बहुत भाई, ये एक देखें मुंडा आप लोग, एक एक बच्चा जब गौर से अगर हम लोग देखते ना आसिम भाई जी, तो क्वालिटी पता चलती है, समझ में आते हैं बच्चे दिखते हैं। मैंने छटिंग कैसे किया, जो हरी पत्ती को फिल्टर करते ना, सिंगल फिल्टर डबल, तो आपने ट्रिपल फिल्टर कर दिया, ऐसा ही फिल्टर कर दिया बच्चे लिए, तो वो हिसाब से तो आज बकरे ऐसे देखने में, ये बच्चा होगा लगभग लगभग मेरे अंदाज से 95-97 के जी। सही, ये बच्चा भी वो रेट पे देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक बार हम यहाँ खड़े हो जाते हैं सबको, वहाँ से आने दो, अभी वहाँ से यहाँ आने दो, चलो है ना। नदीम भाई मैं आपका नंबर दे देता हूँ लोगों को, जी जी, है ना, तो ये आने वाले वीकेंड में लोग आके जल्द से जल्द अपना बकरा बुक करें। हमने ये पूरा बकरे बताए, इसके बाद भी एक और वीडियो आएगा जो
और भी कुछ बकरे हैं जी? नए बकरे जो मेरे आ रहे हैं ना आसिम भाई, वो लगभग 80 बकरे आ रहे हैं जी। हाँ, वो बकरे लगभग 60 किलो से लेके 70-75 किलो तक के, उसमें पालने वाले बकरे बहुत सारे हैं जी। इसमें भी काफी बकरे हैं, यानी ये लॉट जो हमने बताया ना, इनमें 25-30 बकरे ऐसे जो लोग लेके पाल सकते हैं हमारे पास। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। अभी एक एक करके जा रहे वापिस, देख लो भाई नदीम भाई ने फुल मेहनत करके भाई, आपका शुक्रिया नदीम भाई कि मतलब आपने एक बकरा नहीं छोड़े भाई, एक आध को यहाँ से भाग गया तो अलग बात है, मतलब आपने कोशिश की कि हर बकरा दिखाएं। ये देखिए, और इतने माशाल्लाह हेल्दी बकरे ले जाते हैं अपने को। सो दोस्तों, आपसे गुजारिश है जल्द से ला के अपना बकरा बुक करें, और कुर्बानी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे जानवर जो आपको क्लासिक गोट फार्म मुहैया करा रहा है वो आप आके ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खास करके नदीम भाई का शुक्रिया जिन्होंने इतनी मेहनत की है, और आपकी टीम का, बस लोगों से गुजारिश है पूरा वीडियो देखे, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक भी करे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करे, बकरे नहीं भी पसंद आ रहे तो कमेंट करो। सही, और बकरे मेरे को लगता नहीं कि इंशाल्लाह पसंद नहीं आएंगे, बकरे बहुत मेहनत से जमा किए हुए, बहुत मेहनत से पाले, इंशाल्लाह पसंद आने वाली ही चीज है इंशाल्लाह। यही नोट पे नदीम भाई की मैं वीडियो खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।